का अपराध कारित करने के आरोप में दो अभियुक्त एवं एक अभियुक्ता को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 3 सोने की नेकलेस, 1 सोने की चेन किया बरामद, एसएसपी ने किया खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 24.68 करोड़ की लागत से बनने वाले फार्मेसी भवन का किया शिलान्यास। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4000 छात्र व छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन का किया वितरण। कहा, मदन मोहन मालवीय का पूरा जीवन था शिक्षा व समाज के सुधार के लिए। रामलीला मैदान बड़घाट में संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन व अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव में रवि किशन को चुनाव जिताने पर बनी रणनीति। सदर सांसद रवि किशन ने वन नेशन वन इलेक्शन का पत्रक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे जाने पर कहा कि यदि एक बार में चुनाव होता है तो देश का बचेगा कई लाख करोड़ रुपया। गोरखपुर में कचहरी क्लब मैदान पर डिज्नीलैंड में पहली बार रोबोटिक एनिमल पार्क मेला का हुआ शुभारंभ। बच्चों के लिए देसी व विदेशी झूले हैं मौजूद, खाने पीने की सभी सामग्री है उपलब्ध।